वक्त झालावाड़ से जहां सड़क हादसे में 9 युवकों ने अपनी जान गंवा दी है। बेकाबू ट्रॉले ने वैन को मारी टक्कर, 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 6 युवकों ने अस्पताल में दम तोड़ा है। हादसे के बाद ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया है। शादी समारोह से लौटते समय यह हादसा पेश आया। अकलेरा इलाके के पंचोला गाँव में यह हादसा हुआ है। वैन में 10 युवक सवार थे, मध्य प्रदेश के खिलचीपुर से लौट रहे थे तमाम युवा। तो ये बड़ा और दुखद हादसा सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने मौके की रख रहे हैं। झालावाड़ से यह हादसा सामने आया है जहां पर सड़क हादसे में 9 युवकों ने अपनी जान गंवा दी है। बेकाबू ट्रॉले ने वैन को टक्कर मारी है, 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 6 युवकों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। हादसे के बाद ट्रॉला चालक फरार हो गया है। शादी समारोह से लौट रहे थे तमाम लोग और उसी बीच ये हादसा पेश आया है और इस हादसे में 9 युवकों ने अपनी जान गंवा दी है। अकलेरा इलाके के पंचोला गाँव में हादसा हुआ है। वैन में 10 युवक सवार थे, 9 की मौत हो गई है, 3 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 6 युवकों ने अस्पताल में दम तोड़ा है। आपको जानकारी दें कि मध्य प्रदेश के खिलचीपुर से लौट रहे थे तमाम युवक, शादी समारोह से लौट रहे थे और उसी बीच ये हादसा पेश आया है। इसी पर ज्यादा जानकारी लिए रियाज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रियाज, कैसे हादसा पेश आया है? 10 युवक सवार थे और 9 की मौत हो गई है, 1 को लेकर क्या डिटेल मिल रही है और जो ट्रॉला चालक फरार चल रहा है उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, झालावाड़ जिले के डूंगर गांव के रहने वाले बरावली समाज के 10 युवक थे जो मध्य प्रदेश से एक शादी समारोह में भाग लेकर मध्य रात्रि के बाद वापस अपने गाँव लौट रहे थे। वैन में सवार थे 10 युवक, इनको अकलेरा थाना क्षेत्र का पचोला गाँव में जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर के समीप भी पड़ता है, वहां पर हरियाणा के नंबर के इन बेकाबू ट्रोलर ने तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि 6 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा है। 1 गंभीर रूप से घायल है जिसका भी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। लापरवाह चालक जो फरार चल रहा है उसको लेकर क्या जानकारी है? अभी जानकारी मिली है कि ट्रोला चालक को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। टोला पुलिस के कस्टडी में है और टोला चालक को भी डिटेन कर लिया है। जितने भी लोगों की मौत हुई है इनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है, उसके बाद ये सब परिजनों को सौंपे जाएंगे। मौके पर काफी भीड़ जमा है, अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, सारी स्थितियों पे आला अधिकारी एडिशनल एसपी वहां पर मौजूद है और पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं और टोला चालक को फिलहाल ये जानकारी मिलती है उसको डिटेन कर लिया गया है। जी मैं रियाज, कितने बजे की घटना आई है और तमाम जो लोग हैं जो हादसे में जिनकी मौत हो गई है कहाँ के रहने वाले हैं? ये झालावाड़ जिले का डूंगर गांव है जो सकलेरा मार्ग के बीच में पड़ता है। इसी गांव के बागरी समाज के युवक हैं, इस गांव के रहने वाले थे सभी युवक और शादी समारोह से भाग लेकर लौट रहे थे। तब रास्ते में लगभग 3 बजे के बाद में ये हादसा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रियाज तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के खिलचीपुर से लौट रहे थे तमाम युवक, झालावाड़ के रहने वाले हैं। ये शादी समारोह में गए थे, वहीं से जब लौट रहे थे तभी ये हादसा पेश आया है। और आपको जानकारी दें कि 2 वाहनों की जब आपस में भिड़ंत हुई तो इस हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 1 का अस्पताल में इलाज चल रहा है, हालत गंभीर बनाई जा रही है। और आपको जानकारी दें कि पुलिस ने इस मामले में ट्रॉला चालक को डिटेन कर लिया है।